हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आवाज तो यार चैनल पर नहीं होते, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो इनके तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या मौसम कैसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो सही ऐसी गर्मी है कि बंदा बाहर निकलते हुए सोचते है कि भाई मैं बाहर निकलूं ही नहीं। हमारे पास तो टेम्परेचर तकरीबन 35-36 पे पहुंच गया, 36-37 पे। अगर दो चार दिन और गुजरते हैं तो 40 को क्रॉस कर जाएगा। एग्जैक्टली, तो आप लोग बताएं आप लोगों के यहाँ कैसा टेम्परेचर हो रहा है इस टाइम पे। तो मेरा नाम वजाहत, मेरा नाम है सर। आज की वीडियो बहुत ज्यादा मस्त है, इसी तरह की वीडियो आप हमें भेज सकते हो इंस्टाग्राम पर, हम लोग डेफिनेटली आप लोगों की वीडियोस वहां से पिक करके उसकी रिएक्शन देंगे। तो यार 2019 याद आ गया, अमेरिका को इंडिया को धमकी देना मुश्किल पड़ गया, अब इंडिया एक और बहुत बड़ा झटका देने को तैयार है। अच्छा, ये क्या यार झटका, कौन सा झटका? अब ये तो बाबा मुझे नहीं पता, देखते हैं वजह। एग्जैक्टली, तब ही हमें मालूमात पता लगेगी कि इंडिया कौन सा झटका देने को तैयार हो चुका है इस टाइम पे। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो पहले वीडियो वॉच कर लेते हैं, फिर कुछ कह पाएंगे तो कौन करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। लगता है कि मोदी सरकार ने जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की प्रेशर पॉलिटिक्स यानी दबाव में बिल्कुल भी न आने का मन बना लिया है। अमेरिका सबसे ऊपर अपने खुद के इंटरेस्ट को रखता है, सेम चीज अब भारत करने जा रहा है। करना भी चाहिए। भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बिल्कुल बंद नहीं किया, उल्टा अच्छा। भारत जितना क्रूड ऑयल पूरे साल में परचेज किया करता था उतना भारत ने इस बार रशिया से 2 महीने के अंदर ही परचेज कर लिया। क्रूड ऑयल किसी भी देश के लिए, अगर क्रूड ऑयल तो एक देश से दूसरे देश तक सामान पहुंचाया जाता है उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। पोर्ट्स के ऊपर सामान उतरने के बाद उस आइटम को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में ज्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं। वही अगर कोई आइटम जैसे मेडिसिन, कपड़े, आटा, चीनी वगैरह देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचानी हो उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि पेट्रोल के बढ़ने के कारण न सिर्फ आम व्यक्ति जो बाइक्स और कार के ऊपर ट्रेवल करते हैं उनका बजट खराब होता है, बल्कि बड़ी हुई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कारण जो बाकी आइटम्स की कीमतें बढ़ती हैं उसकी वजह से जो व्यक्ति बाइक्स और कार्स के ऊपर ट्रेवल नहीं भी करते हैं उनको भी परेशानी उठानी पड़ती है, हाई इन्फ्लेशन रेट का सामना करना पड़ता है। आज से कुछ साल पहले अमेरिका के कहने के ऊपर भारतीय सरकार ने ये सारी मुसीबतें अपने सर पर ले ली थी। अच्छा। आपको याद होगा कि साल 2019 में जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार हुआ करती थी तब के समय ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगने के कारण भारत ने अमेरिका के कहने के ऊपर ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था। दूर होने के कारण हमें काफी सस्ता क्रूड ऑयल सप्लाई करता था, हमारे सबसे बड़े क्रूड ऑयल सप्लायर्स में से एक हुआ करता था। आप में से कई सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि 2019 से पहले भारत अपनी जरूरत का तकरीबन 10% क्रूड ऑयल अकेले ईरान से परचेज किया करता था। हम सालाना 8 से 10 बिलियन डॉलर ईरान को क्रूड ऑयल के लिए पे करते थे, जो ईरान की कमाई का बहुत ही बड़ा साधन था। लेकिन उस समय अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर पीस डील के ऊपर सहमति नहीं बनी और अमेरिका ने ईरान के ऊपर दबाव डालने के मकसद से भारत को ईरान से क्रूड ऑयल ना परचेज करने के लिए कहा, जिसको भारत ने भी उस समय खुशी खुशी मान लिया। लेकिन अब लगता है कि और नहीं, और भारतीय सरकार ने एक बार फिर अपने सबसे पुराने क्रूड ऑयल सप्लायर से क्रूड ऑयल परचेज करने का मन बना लिया है, फिर चाहे अमेरिका खुश हो या फिर नाराज। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ईरान से क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर्स की इम्पोर्ट को दोबारा शुरू करने के लिए भारत और ईरान के बीच बातचीत दोबारा से शुरू हो रही है। अच्छा। मुताबिक ईरान की एक अधिकारी और जो ईरान की क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर्स की सरकारी कंपनीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भारत के दौरे पर आ रहे हैं, जिसकी फाइनलाइज की जा रही है। ईरान के अधिकारी भारत के साथ क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर्स का ट्रेड दोबारा से शुरू करने के ऊपर बातचीत करेंगे और आगे का रोड मैप तैयार होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2018 से 2019 में भारत और ईरान का बायलेटरल ट्रेड 16 बिलियन डॉलर्स तक था, लेकिन पिछले साल 2021 से 22 में ये 16 बिलियन डॉलर से नीचे गिरकर 2 बिलियन डॉलर्स तक रह गया। ईरान चाहता है कि भारत उसे क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर्स तो परचेज करे ही, लेकिन भारत भी ईरान को व्हीट, राइस, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑयल्स और प्लास्टिक सप्लाई करे, जो ईरान को आज की डेट में दूसरे देशों से परचेज करना बहुत ही कॉस्टली पड़ रहा है। ईरान चाहता है कि साल 2018 से 19 से पहले की तरह भारत और ईरान डॉलर्स को बॉयकॉट करते हुए पेमेंट के लिए अपनी करेंसी रुपीज रियाल मैकेनिज्म को अपनाएं। भारत ईरान से आने वाले डेलीगेशन और उनके अधिकारियों को होस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है, जो अमेरिका के लिए एक साफ तौर पर संकेत है कि बढ़े हुए क्रूड ऑयल प्राइसेस के कारण भारत बहुत ही प्रेशर में है। ऐसे में अमेरिका ईरान के साथ अपनी न्यूक्लियर पीस डील जल्दी साइन करे, वरना भारत रशिया की तरह ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना दोबारा से शुरू कर सकता है। वैसे न्यूक्लियर पीस डील साइन होने से पहले भारत को ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना चाहिए,
हाँ या फिर ना। अबे करो यार, चाहिए जी। इंडिया अब अपनी पावर में है। इंडिया जाहिर सी बात है, इंडिया कोई छोटा देश नहीं है कि भाई इंडिया दबाव में आएगा। असल मसला है कि इंडिया ने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया अमेरिका का। जिधर अपनी आवाम का फायदा नजर आएगा इंडिया उधर खड़ा होगा। इंडिया रशिया से भी खरीद रहा है, अब ईरान से जो पाबंदियां हैं उसके बावजूद भी ईरान का वफ्द आ रहा है और इसको अपनी शिकल देगा कि हमसे भी खरीदे। बिल्कुल, देखो बाबा सीधी सी बात है, अब इंडिया लेता है बाहर से क्रूड ऑयल महंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आवाम को तो महंगा नहीं देगा, आवाम को महंगा देगा लोग बाहर निकल आएंगे, बोलेंगे महंगा क्यों दे रहे हो भाई हमें। और अगर गवर्नमेंट ने महंगा ना दिया तो गवर्नमेंट पे बहुत, गवर्नमेंट को नुकसान होगा इसके अंदर। तो गवर्नमेंट इंडिया की यही कह रही है भाई हम रशिया से भी लेंगे, हम ईरान से भी लेने वाले हैं। इनके आपस में बात भी शुरू हो गई है और बात जो शुरू हुई है वो ये बात शुरू हुई है कि भाई रुपीज और रियाल के अंदर भाई हम जैसे भाई रशिया के साथ कर रहे हैं। सही बात है ना, ये चीज सबसे बेस्ट की है यार, मतलब के यानी डॉलर का हम लोग खात्मा कर रहा है इंडिया। बिल्कुल ये सही बात है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है और कि इंडिया जो कर रहा है भले कर रहा है क्योंकि आवाम पे बोझ नहीं पड़ रहा ना बाबा। अभी देखो 2 महीने का रशिया से खरीद भी लिया क्रूड और जितना ये 1 साल में लेता था उतना 2 महीनों के अंदर अंदर जबरदस्त काम लिखा है ना। देखो भाई अच्छा कर रही है ना, अगर ये ईरान के साथ हो जाता है तो ईरान से भी 3-4 महीने का ले लेते हो फिर बल्ले बल्ले आवाम को उसी प्राइस पे तेल मिलेगा और सस्ता भी मिलेगा बाबा, कास्ट भी नहीं पड़ेगी। जो अंदर हरकत हरकत है सामान दूसरे एक शहर से पहुंचाने के लिए उस पर कास्ट काम आएगी, चीनी नहीं आटा दालें वगैरह दूसरे शहर पहुंचती है ना, उन पे भी किराया पड़ता है, फिर दाम बढ़ जाते हैं। अगर वही रेट रहे तो दाम नहीं बढ़ेंगे। सस्ती चीज, और ईरान भी कह रहे हैं कि भाई आप हमें वीट दो, आप हमें गेहूं दो, आप हमें स्टील दो और प्लास्टिक और चीजें दो भाई, जो जो ईरान में नहीं बनती, जो हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं हमें इतनी ज्यादा प्राइसेस में पड़ी, आप हमें दो। इनका पहले ट्रेड 16 बिलियन था अमेरिका के कहने पे, इंडिया ने नहीं बंद कर दिया। देखो उनको कितना बड़ा घाटा, 2 बिलियन पे आ गया, 2 बिलियन पे आ गया तकरीबन यार, 14 बिलियन डॉलर का दोनों देशों को नुकसान। कितना नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान। ये अगर बंदा करे तो बहुत बड़ा नुकसान बनता है, खासकर ईरान के लिए बहुत नुकसान, ईरान के लिए बहुत पाबंदियां, इंडिया के लिए भी बाबा। देखे अब तकरीबन सोचा करिए, ये इतनी अमाउंट है इसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर। बिल्कुल सही बात कर रहे, बिल्कुल है भी मल्ले पे ना, लेना चाहिए भाई इंडिया को, लेना चाहिए। अमेरिका की एक बात जिस तरह रशिया के मामले में नहीं सुनी, इसके मामले में भी ना सुने। एक के दरमियान न्यूक्लियर पीस डील साइन होती है कि नहीं होती, इंडिया को अपना काम करना चाहिए, अपने लोगों के लिए लेना चाहिए, और इंडिया कर भी रही है चीज और ये बहुत जबरदस्त। बिल्कुल उधर पेट्रोल की प्राइस अब नहीं बढ़ेंगे, नहीं, नहीं 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 उधर तो रुके हुए, रुके हुए यही रहेंगे, मेरा तो ख्याल है 2-4-6 महीने तक यही रहेंगे। हाँ और क्या पता सस्ते भी हो, सस्ता भी हो जाए, क्यों 35% रियाद, 35-40% रियाद क्रूड ऑयल मिल रहा है रशिया से। और भाई मैं तो कहता हूँ ईरान से भी इतना सस्ता, जिधर अपना फायदा नजर आएगा इंडिया उधर ही खड़ा होगा, और इंडिया को करना, घाटे वाला सौदा तो इंडिया करता नहीं। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में, तेरी वीडियो खत्म करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा खैर रखना। तो बाय।